परेशानियों और चैलेंज जितने भी ज्यादा आएंगे उतना आदमी बड़ा बनता है। जैसे लोहा है, जितना भी तपेगा उतना अच्छा उतना ही सॉलिड होता है। तो परेशानियाँ सब पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं तो जीरो से चालू किया हूँ 1980 में। 100 रुपये मेरे पास स्कूल और कॉलेज का फी का नहीं था, तो मैंने गरीबी में से मेहनत किया, 16 घंटा रोज का काम किया, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, बर्निंग डिजायर। और परेशानियाँ इससे आदमी कभी भी डरना नहीं चाहिए। आंधी तूफान कुछ भी आवे लाइफ में, एक एम होना चाहिए, काम का एक धगस होना चाहिए और एक लक्ष्य पे पहुँचने का एक मन में हौसला होना चाहिए। तो ये यंगस्टर और हर को एक मेरी अपील है कि मुंबई में जो आदमी सच्चे दिल से मेहनत करेगा, काम करेगा, परिवार का आशीर्वाद लेगा और सच्चाई से काम करेगा, तो मुंबई में उसको सफलता 100% उसके पेड़ चुकेगा। जब आपने पहला होर्डिंग लगाया मुंबई में तो कैसे मिला? स्टार्टिंग में 1980 से 82 तक मैंने सब सिनेमा एडवर्टाइजिंग का काम किया, बाद में प्रेस और अदर मीडिया का काम किया। 1987 में मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म के बोर्ड का काम किया। तभी मैं दुकान दुकान में घूमता था, छोटी छोटी दुकान में, तो वो लोग मेरे को बोलते थे होर्डिंग लगा हमारा। तभी मुझे होर्डिंग क्या होता है वर्ड भी मालूम नहीं, तो मैंने उनको पूछा होर्डिंग मतलब क्या। तो उन्होंने बोला ये बड़ा जो बोर्ड लगता है उसको होर्डिंग बोलते हैं। तो बाद में उन्होंने बोला ये बड़े जो बोर्ड लगता है। फिर मैं रेलवे की ऑफिस में गया, साहब को समझा और सेल्फ ढूंढा सब चीज़। और वैसे पहला होर्डिंग 1987 में 1400 रुपये का मलाड स्टेशन पर लगाया। फिर एक होर्डिंग लगाया, दो होर्डिंग लगाया, 25, 50, 100, 500, ऐसा स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे में हर एफ डी आर मोनो बोली लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही होर्डिंग वाली लाइन आपके दिमाग में कैसे आई कि ये बिजनेस करना? मेरे तो मेरे पास सिनेमा एडवर्टाइजिंग लाइन का सब मीडिया था, सिनेमा स्लाइड्स, कियोस्क, न्यूज़पेपर, लेकिन होर्डिंग में मैं काम करते करते अब काम को एंजॉय करने लगा और मैं उसमें मेरा ग्रीप आ गया और लोग मेरे को इंक्वायरी करने लगे। बहुत हार्ड वर्किंग और मेहनत वाली लाइन है और इसमें बहुत लिमिटेड लोग हैं, 400 एडवर्टाइजर है, लेकिन इसमें पूरा समर्पित होने का हर लोगों को मतलब मैंने दिल से बहुत मेहनत किया इसके लिए और मेरे को उसमें ग्रीप बैठ गया, तो उसमें मैं आ गया। आज आपके पास मुंबई के बेस्ट के शायद एक्सक्लूसिव राइट्स हैं? पहले थोड़े दिन पहले थे मेरे पास, 125 करोड़ का टेंडर लिया था 3 साल का, 20 महीना मैंने चलाया और 1500 होर्डिंग है बॉम्बे में, 3500 होर्डिंग में से मेजोरिटी होर्डिंग का 60% बिजनेस मेरे पास है। सब इवेंट्स, फिल्म, सीरियल, एल्बम, कॉर्पोरेट, ऐसे 600 क्लाइंट है और अच्छा ब्रांड नेम है ये मुंबई। हम लोग आपका प्रोमो वीडियो देख रहे थे, उसमें देखा जब आपने पहला ऑफिस खोला तो वो डिमोलिश कर दिया गया था विद इन अ फ्यू मंथ्स, तो फिर आपने कैसे एस्टेब्लिश किया? स्टार्टिंग में मेरा फाइनेंस देता तो मैं घर से काम करता, घर के बाद में मैंने एक टेलीफोन लिया, टेलीफोन के बाद में मैंने एक छोटा सा गैरेज में ऑफिस लिया जो 40,000 रुपये का आता है। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो गैरेज में ऑफिस अलाउड नहीं है, म्यूनसिपैलिटी जाके तोड़ के गया। फिर बाद में मैंने मेरे फ्रेंड के वहाँ टेबल स्पेस लिया, उसके बाद मैंने मेरी खुद की 200 फुट की ऑफिस ली। सर स्टेप बाय स्टेप मेरा लाइफ बढ़ते गया। क्या हम लोग देखते हैं अपने देश में योगेश भाई कि जितने भी जो अपना लोग काम करना चाहते हैं वो लोग अपने आइडिया पे बैठे रहते हैं, मतलब उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि अपना कुछ आगे आगे करें, तो उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हिम्मत तो भगवान ने हर एक के अंदर हिम्मत ताकत और दिया है, खाली आपको उसके रास्ते पे कांटे फूल हर चीज़ के रास्ते में मिलेंगे। आपके अंदर साहस होना चाहिए। मेरे को तो हिम्मत किसी ने नहीं दी, किसी ने फाइनेंस नहीं दिया, मेरे को तो लाइन का नॉलेज भी किसी ने नहीं दिया, लेकिन अगर खुद अगर सोच लिया इंसान कि मेरे को करना ही है तो अपने आप भगवान रास्ता दिखाता है। बिना पैसे तो घर नहीं चलता, इसलिए न्यूज़पेपर बेचना, प्यून की नौकरी, रेलवे प्लेटफॉर्म पर होर्डिंग्स की पुताई करने जैसे छोटे मोटे काम कर उन्होंने होर्डिंग्स की कला सीखी और आज होर्डिंग्स की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ योगेश लखानी की, फाउंडर ऑफ ब्राइट आउटडोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। उनके पिता सारे की फैक्ट्री में काम करते और माँ होम मेकर। उनका परिवार 100 बाय 100 फीट के कमरे में रहता था। जब योगेश लखानी 6th क्लास में पढ़ रहे थे तब उनके पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हालात इतने ख़राब थे कि हॉस्पिटल को देने के लिए उस वक्त जेब में 100 रुपये भी नहीं थे। फैमिली में सब पैसे वाले थे सिवाय उनके पापा के। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेस करूँगा, बड़ा आदमी बनूँगा। 6th क्लास से ही योगेश लखानी ने पटाखे बेचना, माचिस बेचना या रोड पर 1-1 रुपये का न्यूज़पेपर बेचना, थैली बनाने जैसे काम शुरू किए जिससे वो पर डे 5 से 10 रुपये कमाते थे। ऐसा करते करते वो 10th क्लास तक पहुँचे। SSC की एग्ज़ाम के बाद 1980 में जिस दिन एग्ज़ाम खत्म हुई उसके अगले दिन अपने अंकल की एडवर्टाइजिंग कंपनी में गए। कंपनी का प्यून 1 महीने के लिए बाहर गांव गया था तो उसकी जगह योगेश जी ने 1 महीना प्यून की नौकरी की जिसके उन्हें 100 रुपये मिले।
प्यौन के वापस आने के बाद योगेश जी को जॉब छोड़नी पड़ी। घर लौटते वक्त रास्ते में ब्राइट गारमेंट पड़ा, तब उन्होंने सोचा क्यों ना ब्राइट एडवर्टाइजिंग का काम चालू करें, जिसमें काम लाके फ्रीलांस में अंकल को दिया जाए, और यहीं से ब्राइट आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई। 1980 से लेकर 84 तक सिनेमा एडवर्टाइजिंग का काम किया, प्लेटफॉर्म बोर्ड, शटर पेंटिंग, रोड पर लगने वाले छोटे छोटे बैनर्स का काम किया। जब वो दूसरे मीडिया में होर्डिंग का छोटा मोटा काम कर रहे थे, तब वहाँ क्लाइंट्स उनको कहते कि तुम होर्डिंग्स का काम करो, होर्डिंग में अच्छा इनकम है। तो योगेश जी ने उनसे पूछा कि ये होर्डिंग का मतलब क्या है, तब उन्होंने होर्डिंग्स के बारे में जानकारी दी। उसके बाद योगेश लखानी रेलवे के ऑफिस गए और उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आगे पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं हैं, आप मुझे होर्डिंग की नॉलेज दो। तब उन्होंने योगेश जी को प्लेटफॉर्म बोर्ड की जानकारी दी और फिर प्लेटफॉर्म होर्डिंग की। पहली होर्डिंग के वक्त दूसरी पार्टी की प्रोसीजर, रेलवे के प्रोसीजर सब जानने में थोड़ी तकलीफ हुई, पर कहते हैं ना, जितना सोना तपता है उतना निखरता है। रेलवे होर्डिंग्स के काम में इस एंट्री के बाद पहली होर्डिंग मलाड के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगाई। योगेश लखानी का सपना था कि कुछ बनना है। दिन के 15-15 घंटे काम किया, इतने वर्कहोलिक हो गए कि भूख भी नहीं लगती थी। सक्सेस इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ डिजायर बट अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क। योगेश लखानी के इसी हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पैशन का रिजल्ट है ब्राइट आउटडोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। ब्राइट के मुंबई के हाजी अली, बैंड्रा, चर्च गेट, माहिम, मरीन ड्राइव, जुहू, लिंक रोड, चेंबूर, सायन जैसी जगहों पर 700 होर्डिंग्स हैं। इसीलिए तो नोबडी कवर्स मुंबई लाइक ब्राइट। ब्राइट के पास 1000 क्लाइंट्स हैं, जिनमें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज भी शामिल हैं। हाल ही में ब्राइट ने अपनी ब्रांचेस पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद और बैंगलोर में भी शुरू की हैं। सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन की पहली मूवी की आउटडोर पब्लिसिटी ब्राइट ने की। बड़ी बड़ी कंपनीज ब्राइट के क्लाइंट्स की लिस्ट में शामिल है। योगेश लखानी को उनके काम के लिए कई अवार्ड्स मिले, जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी शामिल हैं। योगेश लखानी ने ब्राइट की शुरुआत 1980 में जीरो से शुरू की और आज ब्राइट होर्डिंग्स की दुनिया का एक बड़ा
सरस मानस मैं बोल रहा हूँ कि हमारा मोटा भाई है और 25 सितंबर को जो है वो ब्राइट अवार्ड नाइट में मैं आ ही नहीं रहा हूँ। मैं भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देने आ रहा हूँ कि आप 1000 साल क्योंकि आपने जो फिल्म इंडस्ट्री में या सब जो है अपने ब्राइट के माध्यम से लोगों के प्रोडक्ट को जो ब्राइट किया है उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है आप रखते हैं। आप सम्मानित हैं, हम सब फिल्म इंडस्ट्री को आपका सम्मान करते हैं। लगे वो रात जब सितारे होंगे जमीन पर, स्टार स्टडेड ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट, स्टैंड अप कॉमेडी, लाइव परफॉर्मेंसेस एंड लोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट, द मोस्ट अवेटेड नाइट ऑफ बॉलीवुड, फोर्थ ब्राइट अवार्ड्स नाइट एंड बर्थडे ऑफ द ब्राइट एंड यंग मैन योगेश लखानी। गेट रेडी फॉर अ नाइट ऑफ अ लाइफ टाइम। नीचे 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 गुरु सर press the bell icon on YouTube app and never miss another update.